राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। आज हम लोग राहुल गांधी के पास क्या क्या कानूनी विकल्प हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस विषय में अभी तक क्या हुआ है यह देख लेते हैं। तो 2019 के एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम रखने वालों के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के एक एमएलए ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि यानी कि डिफेमेशन का केस दायर किया था, जिस पर वर्तमान में सूरत कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है, जिसमें सूरत कोर्ट के एच वर्मा जज ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है। इस पूरे मामले में यह 2 साल का सजा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत के एक प्रमुख ही बहुत ही प्रमुख एक्ट आरपी एक्ट के अनुसार अगर किसी भी एमपी या एमएलए को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह आरपी एक्ट सुप्रीम कोर्ट के 2 प्रमुख वर्डिक्ट यानी कि डिसीजन द्वारा निर्देशित होते हैं, जो कि हैं 2013 के लिली थॉमस केस तथा 2018 के लोकपहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इन दोनों मामलों के में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों व डिसीजन के द्वारा यह आरपी एक्ट निर्देशित होता है तथा किसी भी संसद या एमएलए की सदस्यता के समाप्ति के संदर्भ में डिसीजन लिए जाते हैं। इन्हीं कानूनों के आधार पर ही राहुल गांधी की भी सदस्यता समाप्त हुई है। लेकिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी के पास क्या क्या विकल्प है। राहुल गांधी के पास विकल्प है कि वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, यानी कि अपील कर सकते हैं, और इन अपील में अगर इन उच्च न्यायालयों द्वारा यह डिसीजन लिया जाता है कि उनके जो सजा है उसको अगर 2 साल से कम कर दिया जाता है, अगर 1 दिन भी कम कर दिया जाता है तो उनकी संसद सदस्यता बरकरार रहेगी, तथा अगर जो है राहुल गांधी को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो भी उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। इसी प्रकार का एक केस हमें अभी अभी दिखाई दिया है, जिसमें मोहम्मद फैजल जो कि लक्षद्वीप के संसद सदस्य हैं, इनकी सदस्यता पुनः बहाल की गई है, क्योंकि केरल हाईकोर्ट द्वारा जब निचली अदालत द्वारा इनको 10 साल की सजा दी गई थी, उस सजा को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण से इनकी संसद सदस्यता वापस बहाल कर दी गई है। इसी प्रकार राहुल गांधी भी हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट से में याचिका दायर करके अपनी सदस्यता को बनाए रख सकते हैं।